निस अंधियारी कारणे चौरासी लख चंद अति आतुर उदय किया तू दृष्टि नहीं मंद। निस अंधियारी कारणे चौरासी लख चंद अति आतुर उदय किया तौ दृष्टि नहीं मंद। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अपने अज्ञान के अंधकार के कारण बार बार 84 लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी पड़ी और तब बड़ी मुश्किल से मैं मनुष्य की योनि में आया हूँ। मूर्ख की फिर भी आंख नहीं खुलती, वह फिर भी कुमार्ग की ओर ही बढ़ता चला जा रहा है। अब मनुष्य की योनि प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण बहुत ही बड़ी बात है। जब सब कर्मों का फेर है तो समझना क्या है, हमें सीखना क्या है, हमें तो सीखना है कर्म करना और उन्हीं सत्कर्मों के कारण संभवतः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और अब इस योनि से ऊपर कहाँ जाना है, मनुष्य योनि से उठकर कहाँ जाना है, तो अगर वेदांत वेत्ताओं से पूछा जाए तो इसके बाद केवल मोक्ष ही अंतिम मार्ग है और उस मार्ग पर चलने के लिए फिर से कर्म करना है। लेकिन कर्म क्या करना है, कैसे करना है, यही तो ज्ञान है, इसी को तो प्राप्त करना है। लेकिन कभी अज्ञान के अंधकार में खो जाता है मनुष्य और कभी सांसारिक चकाचौंध में भटक जाता है, सही कर्म सुझाई नहीं देता, फिर करता है वही कर्म, फिर दोहराता है वही अपराध वही गलतियां और फिर लौट के आता है इस भव सागर में। इस दोहे में कबीर पर वैष्णव मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और भाव यदि इस दोहे का समझा जाए तो यही है कि मनुष्य को अपने ज्ञान से केवल अपने कर्मों को सुधारना सीखना है। यदि वो ये नहीं जान पाया कि इस जीवन में उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसके लिए करना है, तो सब ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान अज्ञान है और इस प्रकार के अज्ञान से वो स्वयं को, मनुष्यता को, सृष्टि को, समग्र विश्व को धकेल रहा है पतन की ओर। जो दिख रही है प्रगति की चकाचौंध, वास्तव में वो है अवनति का गर्त। और कबीर की मिली जुली फक्कड़ी भाषा के भंडार में से देख लेते हैं कि इस दोहे के लिए उन्होंने क्या क्या शब्द चुने हैं। तो सबसे पहले है निस। निस जो है निशा का बिगड़ा हुआ रूप है, निशा यानी रात्रि, रात्रि जो भरी होती है अंधकार से, अंधकार अर्थात अज्ञान से। तो जो अंधेरी रात का ज्ञान है वही है कारणे, कारण 84 लाख योनियों में आने का कारण। अति आतुर उदय किया, उदय किया यानी उदित किया, प्राप्त किया। तो क्या प्राप्त किया, मनुष्य योनि को प्राप्त किया, 84 लाख योनियों में भटक के उनकी यातना सह के बड़ी मुश्किल से बड़ी आतुरता से बहुत यत्न करके। तव दृष्टि नहीं मंद, फिर भी आंख नहीं खुलती। मंद यानी मूर्ख, कि मैं मूर्ख का मूर्ख ही रहा, इसके बाद भी इस मूर्ख की आंख नहीं खुलती, उसे सही मार्ग दिखाई नहीं देता। अब इस दोहे में अलंकार योजना की यदि हम बात करते हैं तो दो स्थानों पर मुझे दो अलंकार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंत्यानुप्रास है चंद और मंद, दोहे के दोनों चरणों के अंत में, और फिर है 84 चंद अति आतुर
84 चंद में च की आवृत्ति है, अति आतुर में अ की आवृत्ति है, यहाँ पे अनुप्रास की झलक दिखाई देती है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 18वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।